सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर जो जूलॉजी का होने वाला है। ओके, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें यूनिट बाय यूनिट हर यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट वन से यूनिट फाइव तक के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो दिसंबर या फिर जनवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से डीएनए व आरएनए में अंतर, है ना। डीआरएन और आरएनए में अंतर लिखिए। इसके बाद है डीएनए में द्विगुणन की विधि का वर्णन कीजिए। ओके, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है न्यूक्लियोसोम पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये हुआ। फोर्थ नंबर है प्रोटीन के आवागमन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना। प्रोटीन के आवागमन क्या होता है, मतलब कैसे काम करता है, इसमें टिप्पणी लिखना है आपको। इसके बाद है न्यूक्लिक अम्लों की डीएनए संरचना का वर्णन व जैविकी महत्व पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों की डीएनए संरचना और वर्णन और इसमें जैविकी महत्व क्या होता है, इसका इसमें टिप्पणी लिखना है। ठीक है, यूनिट फोर में फाइव क्वेश्चन थे, ठीक है, मैंने बता दिया। अब यूनिट सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है जीन कहाँ पाए जाते हैं, जीन की आधुनिक संरचना का वर्णन, जीन कहाँ पाए जाते हैं ना, और जीन की आधुनिक संरचना होता है, इसके वर्णन करना है। सेकंड क्वेश्चन है जेनेटिक कोड पर एक निबंध, जेनेटिक कोड क्या होता है, इस पर निबंध लिखना है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद है यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार होता है, यूकैरियोटिक में प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार होता है, इसको एक्सप्लेन करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये हुआ। यूनिट दो का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है सेंट्रल डोगमा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ओके, इसके बाद है ओपेरॉन मॉडल पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है, ये दो हुआ। इसके बाद इसमें टिप्पणी लिखना है, पहला है खंडित जीन, दूसरा अतिव्यापन जीन, तीसरा छादम जीन, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद है यूनिट थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन है संलग्नता को स्पष्ट कीजिए, संलग्नता को स्पष्ट कीजिए, इसका विस्तार पूर्वक, ठीक है, ये हुआ यूनिट थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है प्रतिलोमन व इन्वर्जन का वर्णन कीजिए, प्रतिलोपन क्या होता है और इन्वर्जन क्या होता है, इसको वर्णन करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद है लिंग संलग्नता क्या होती है, वर्णन कीजिए, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बहुगुणिता पर निबंध लिखिए, बहुगुणिता क्या होती है, इसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद है हीनता व द्विगुणन पर टिप्पणी, हीनता क्या होती है और द्विगुणन पर टिप्पणी करना है। लैंगिक सहलग्नता का वर्णन उदाहरण सहित लिखिए, लैंगिक सहलग्नता क्या होती है, इसका वर्णन और उदाहरण भी इसका देना है। नेक्स्ट है लिंग विभिन्नता पर टिप्पणी, है ना, लिंग विभिन्नता क्या, डिफरेंट क्या होता है, इसमें टिप्पणी करना है। ओके, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यूनिट फोर का फर्स्ट क्वेश्चन है, है ना, यूनिट फोर का फर्स्ट क्वेश्चन है मानव क्रोमोसोम की रचना का विस्तार में वर्णन कीजिए। ओके, मानव क्रोमोसोम की रचना क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है लॉन्ग टाइप में। ओके, नेक्स्ट है मानव में रक्त समूह अनुवांशिकी पर निबंध लिखें। ओके, ये हुआ। थर्ड नंबर है मनुष्य में जीन संबंधी अनुवांशिक रोगों का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये। इसके बाद है अनुवांशिकी बीमारी क्या है, अनुवांशिकी बीमारी क्या है, उदाहरण सहित इसको एक्सप्लेन करना है। फोर मिनट कंप्लीट। नेक्स्ट है यूनिट फाइव में पहला है पीसीआर एवं क्लोनिंग में अंतर, पीसीआर क्या होता है और क्लोनिंग में क्या अंतर है, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंट की विधि का वर्णन कीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये हर साल आता है, चाहे अब 2022 23 24 या फिर 21 20 19 किसी में देख लेंगे तो ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहता है। इसके बाद है जीन क्लोनिंग पर टिप्पणी, जीन क्लोनिंग क्या होती है, इस पर टिप्पणी करना है। नॉर्दर्न ब्लोरिंग तकनीक पर टिप्पणी करना है, ठीक है,
यूनिट 5 के 4 क्वेश्चन हो गए, यूनिट 4 के भी 4 क्वेश्चन हो गए, यूनिट 3 के भी 4 क्वेश्चन हुए थे, 2 के भी 4 से 5 थे, 1 के भी 4 से 5 ही थे। तो हर यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। अब इसी चैनल पे आपको बीएससी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के सेकंड पेपर भी मिल जाएगा, थर्ड पेपर भी मिल जाएगा। ओके, तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ।